गॉड, इतने सारे शूज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। काफी सारे पेयर्स मेरे पास आ चुके हैं एंड खास करके ये वीडियो होने वाली है। ओडिन हट जा बेटा, क्यों बीच में आती रहती है तू, है क्यों बीच में आती है? इस वीडियो में स्पेशल ये होने वाला है कि काफी सारे ये जो आप शूज देख रहे हो ना, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं, इतने सारे शूज आपको दिखाने वाला हूँ। स्पोर्ट्स शूज है बेसिकली और इसके ऊपर ही वीडियो होने वाली है। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इसलिए क्योंकि यार आजकल भैया लोगों को पतंग उड़ाने का मन करता है, ऑल्दो बारिश है, उनका थोड़ा मूड खराब करिए, बट इस मौसम में अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस वाइज यू नो अच्छे तरीके से बढ़िया चीजें कर पाओगे। क्योंकि यार चप्पल पहन के मैंने देखा है लोग चढ़ जाते हैं इंडिपेंडेंस डे पे और वहां पर उनके पैरों में मंजा मंजा फंस रहा होता है। तो आप और भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पर्पस के लिए ये सारे शूज होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हॉल ऑन द बेस्ट स्पोर्ट्स शू। फर्स्ट ब्रांड जो मेरे पास आ जाता है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इस पूरी शू की लिस्ट में स्पोर्ट्स शू, वो है एशियन की तरफ से। एशियन एक ऐसा ब्रांड है जो काफी अपना नाम बना चुका है, ऑल्दो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुप्रीम नहीं लगती, बट यार जिस प्राइस में आपको ये देते हैं ना भाई, अनबिलीवेबल प्राइजेस एंड अनबिलीवेबल इनकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसके मॉडल का नाम है क्रेटा 12। इसके मॉडल बहुत सारे होते हैं, इनोवा, क्रेटा, सब इंस्पायर्ड है हमारी इंडियन गाड़ियों की मार्केट से। बट लेट्स टॉक अबाउट द शू, व्हाट इज इनसाइड एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। शू बॉक्स खोलते ही आपको इस तरीके का एक पैम्पलेट देखने को मिलता है, उसके अंदर आपका एक्चुअल शू है। शू मैंने मंगवाया ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है फुल ऑन। ये वाला शू है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये है क्रेटा 12 इनकी सीरीज का, एंड इस पे मैंने काफी सारे कलर्स भी और देखे थे, आप अपने हिसाब से कलर्स मंगवा सकते हो, लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ये थोड़ा सा हटके इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो सोल है वो प्रॉपर एक ब्लैक कलर की है, बाकी की व्हाइट होती है, तो वो शू की लुक जो होती है ना बड़ी कॉमन से हो जाती है। फुल ब्लैक शू देखना इस मार्केट में काफी ज्यादा यू नो यूनिक होता है और हर बंदा उसको नहीं पहनता है। अगर मैं शू की क्वालिटी की बात करूं तो आपको ईवीए फोम यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि भाई ये शू है ना बिल्कुल ऐसे हवा की तरह हल्का है। अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर अगर आप चांदनी चौक से आसपास से बिलोंग करते हो तो आपने दौलत की चाट सुना हो, जो फोम टाइप की ऐसे मिठाई सी होती है, आई डोंट नो उसको क्यों इतना पसंद करते हैं लोग, बट यस उसमें थोड़ा सा ना ऐसे फ्लफीपन होता है, वही सेम आपको इस शू में देखने को मिलेगा। इसको खा मत जाना गलती से। टॉकिंग अबाउट द मैश, ऊपर आपको इस तरीके की क्वालिटी मिलेगी, ब्रीदेबल फैब्रिक है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द इनर पार्ट ऑफ द सोल, यहाँ पर आपको मेमोरी फोम देखने को मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है, जितने भी एशियन के शूज आते हैं उस पर आपको यही रेड वाला मेमोरी फोम देखने को मिलेगा। पीछे आपको एशियन की ब्रांडिंग इस तरीके से मिलती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ से आप पुल करके आराम से अपने शू को पहन सकते हो। एंड दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द शू व्हिच आई रियली लव्ड, एंड काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में आपको ये देखने को मिलेगा ऑन Amazon। एंड इंडिपेंडेंस डे के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा रगेड एंड रफ शू यही होने वाला है क्योंकि ये गंदा भी इतनी ज्यादा जल्दी हो भी जाए तो भी आप इसको वाइप ऑफ करके साफ कर सकते हो। एंड यूजुअली जो दूसरे गंदे शूज हो सकते हैं वो होते हैं व्हाइट, एंड व्हाइट मैं एक अलग से हॉल बनाने वाला हूँ, अभी थोड़े दिनों में आने वाला है वो, लेकिन एक गिफ्टिंग पर्पस के लिए होगा। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है उन लोगों के लिए ये वाला शू जरूर होने वाला है। तो आप जितने पतंग में पैसे खर्च कर रहे हो थोड़े से पैसे निकाल के उसमें से एक अच्छे शू की तरफ जा सकते हो, विच इज द एशियन क्रेटा 12। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्पोर्ट्स शू जो कि मेरी कैटेगरी में बिल्कुल फिट होता है, वो ना भाई बड़ी अच्छी सी पैकेजिंग में आया। देखो एक तो अमेज़न की इस तरीके से पहले पॉलिथीन आपको देखने को मिलेगा, चिपक किया गया, उसके बाद आपको Amazon का इस तरीके का बॉक्स मिलता है। ये यूजुअली तब देते हैं जब अंदर का बॉक्स डैमेज हो जाए, बट अंदर का जो बॉक्स है वो भी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल डैमेज नहीं है। एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड पूमा, जैसे कि आपको दिख चुका है। पूमा के इस वाले मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाता है जो कि है आई थिंक ST Activate, यहाँ पर प्रॉपर नाम है, यूके मतलब 10 मेरे हिसाब का साइज है, मेड इन वियतनाम है। एंड अगर MRP की बात करो तो 2799 का MRP है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आपको इतना पैसा नहीं देना है, काफी अच्छे डिस्काउंट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द शू, जैसे हम इसको खोलते हैं इसके अंदर आपको शू देखने को मिलेगा। कलर थोड़ा सा मैंने इस बार अलग मंगवाया क्योंकि मैं चाह रहा था मेरे पास ना एक वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स शू होनी चाहिए, अगर मैं जिम में भी जा रहा हूँ या उनको फॉर दैट मैटर कहीं भी पहन रहा हूँ, थोड़े से कलर में डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। एंड आई ऑर्डर्ड अ मरून कलर्ड स्पोर्ट्स शू, इस तरीके का ही दिखने वाला। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी पूमा की जो कि काफी ज्यादा सॉलिड हो रखी है भाई। एंड पूमा की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा हैवी है एशियन वाले से, बट क्वालिटी वाइज ये थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि आप इसमें थोड़े से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो। सोल की बात करें तो EVS सोल आपको देखने को मिलेगी विद दिस पैटर्न जो कि काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप ट्रैक्स पे रनिंग कर रहे हो तो ये उसके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप यूजुअली ऐसे सीमेंटेड वाली जगह पे कर रहे हो या अलग जगहों पे कर रहे हो उसके लिए भी ठीक ठाक रहेगा, बट अगर आप थोड़े से स्लिपरी सरफेस पे हो तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, तब आप और भी जो शूज हैं वो दिखाने वाला हूं उनकी तरफ आप जा सकते हो। बट आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ दिस शू। ऊपर आपको मैश देखने को मिलता है जो कि ब्रीदेबल है, और साथ ही साथ जो कलर की जिस तरीके से इन्होंने बनावट करी है, जो एस्थेटिक्स है, व्हाइट
प्लस मरून काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर अगर लेसेस की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी के, एंड अगर इसके टंग की बात करें तो यहाँ पे पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वियतनाम का प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना नहीं है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। एंड सबसे अच्छी बात इज येट टू कम, वो है इसकी सॉफ्ट फोम फैब्रिक। अगर हम बात करें इसके सोल की, तो इसके अंदर जो सॉफ्ट फोम है ना, ये इनके यूजुअली स्टैंडर्ड हर स्नीकर में भी देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी आपको देखे ना सॉफ्ट फोम प्लस, तो ये मतलब इसका यही है कि काफी अच्छी क्वालिटी में आपको एक मेमोरी फोम देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको ना कभी भी दर्द नहीं होगा। मैं जो इनके स्नीकर्स पहनता हूँ उनमें भी सेम लगी होती है, और आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने स्नीकर्स पहने। ऐसे ही लगता है कि मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के घूम रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द कंफर्ट। ऐसा लग रहा है गद्दों पे पैर रख के आप चल रहे हो, विच इज अगेन काफी ज्यादा अमेजिंग। एक चीज और जो मैंने नोटिस करी वो ये है, हल्का हल्का स्वेड, ये फॉर स्वेड है। फॉर स्वेड का पैटर्न आपको यहाँ पर पीछे की तरफ, इस तरफ, साइड में और ऊपर हल्का सा देखने को मिलता है, जो कि इस शू को थोड़ा सा और यूनिक बना देता है। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज में आपको ये सब क्वालिटीज नहीं देखने को मिलती। थोड़ी अगर उनमें फिनिशिंग आ जाती अच्छी तो वो प्रॉब्ली पूमा का मुकाबला कर पाते, बट इसकी अगर बात करें तो आई थिंक दिस इज वन इन अ क्लास शू, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मरून कलर्ड पूमा शू। लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन। पूमा की बात करी थी तो इसके जो कॉम्पिटिशन में ब्रांड्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रिबॉक अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा ब्रांड है, कितना पुराना, मतलब हम काफी टाइम से इसके बारे में सुनते हैं, जब से मैं स्कूल में था ना, और उसको 10-15 साल हो गए, उस टाइम से मैं इनके बारे में सुनता हुआ आ रहा हूँ। और मेरा हमेशा से सपना था कि यार एक रिबॉक का, नाइकी का, इन सब का जूता मेरे पास एक एक तो होना चाहिए। आज देखो भाई, हर एक चीज के, हर जितने ब्रांड्स आप सोच सकते हो, सबके कहीं ना कहीं जो मुझे पसंद है उनके शूज है मेरे पास, विच इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट शू। इसके अगर बात करें MRP की, तो इसका 3099 का MRP है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड अगर शू के नाम की बात करें तो स्पीड राइजर इसका नाम है। जैसे ही आप शू के बॉक्स को ओपन करते हो, आपको इसके अंदर प्रॉपर आपका शू देखने को मिलता है, विच आई रियली लव। एक झलक में ही मैंने मंगवा लिया था, ये काफी अच्छी क्वालिटी का, मेरे हाथ में जो फील हो रहा है ना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये है इसकी EVA सोल, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, बाकी उसे थोड़ी सी सुपीरियर है। थोड़ा सा पैसा भी इसका ज्यादा होगा, बट यस, रिबॉक एक ब्रांड है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ सस्ते सी चीज मंगवा ली है। टॉकिंग अबाउट द शू, ये है वो वाला शू जिसके बारे में बात कर रहा था। काफी ज्यादा अमेजिंग बनावट है, ग्रे कलर का आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इस तरीके का मोटा फोम देखने को मिलता है, जो आपके पैर के पीछे है ना, आपको काफी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। शू बाइट का खतरा यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर जैसी फोम आता है तो आपके पैरों में ना कंफर्ट होना जरूरी है, रैदर देन जस्ट वो शो के लिए पतली पतली चीजें लगा दी। क्योंकि जब भी आप देखो लोफर्स वगैरह जब आप पहनते हो ना, स्टार्टिंग में आपको शू बाइट होने का खतरा बढ़ जाता है, और कहीं कहीं शूज में तो होता ही होता है। इस वाले शू में वो बिल्कुल भी आपको गुंजाइश नहीं आएगी। और रिबॉक की ब्रांडिंग येलो कलर से और गोल्डन कलर से जो करी गई है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर भी आपको रिबॉक सिंपल देखने को मिलता है, पीछे इस तरीके का स्ट्रैप है ताकि आप जूता अपना आराम से पहन पाओ। एंड जो सोल है मुझे काफी ज्यादा पसंद इसलिए आई, क्योंकि थोड़ी सी हैवी मटेरियल से बनी हुई है, EVA ही है, बट हैवी और अच्छी ग्रिप वाली लग रही है मुझे ये, विच एज कम्पेयर टू द पूमा एंड एशियन वंस, दिस वन इज मच बेटर। आगे से अगर बात करें तो शू कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सोल, जो इनर सोल है इसकी, उस पर भी मेमोरी फोम लिखा है, बट मेमोरी फोम अगर आप देखोगे ध्यान से, हल्का हल्का डॉटेड पैटर्न है, जो कि इसको काफी अच्छा बनाया था। एक्यूप्रेशर वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं, एंड ओवरऑल शू की क्वालिटी इज क्वाइट नाइस। जिम में आप इसको पहन सकते हो, जिम से ज्यादा मैं इसको रनिंग के लिए प्रेफर करूंगा, तो यस, रनिंग में जितने भी लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये शू काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। काफी अच्छी क्वालिटी वाला मेमोरी फोम भी है, थम्स अप रिबॉक। अगेन लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एक और पूमा का शू मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि स्पोर्ट्स शू की कैटेगरी में आता है, एंड आई एम अमेज्ड विद द क्वालिटी ऑफ द बॉक्स। ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें शायद सॉफ्ट फोम ना हो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। यूजुअली जो इनके सॉफ्ट फोम वाले बॉक्सेस होते हैं उस पर लिखा होता है। अगर MRP की बात करूं, 3999 का आपको देखने को मिलता है, 4000 का ये जूता है। क्या ये वर्थ इट है? लेट्स सी। इसका जो नाम है वो है Seawalk IDP, एंड लेट्स ओपन द बॉक्स, क्योंकि दिस इज एन अनबॉक्सिंग वीडियो आफ्टर ऑल। इफ वी टॉक अबाउट द शू, यस, ओह माय गॉड, ये भी काफी ज्यादा अच्छी सोल के साथ आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। पूमा की यहां पे ब्रांडिंग है, जो कि थोड़ी सी ना उभरी हुई पैटर्न में आ रही है। देखो यहां पर आपको ध्यान से दिखेगा, उभरा हुआ पैटर्न के साथ साथ इसके नीचे जो सोल है वो EVA प्लस रबर की आ जाती है स्टाइल में, जो आपको काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगी। जो आपको मैंने शूज दिखाए उन सबसे अच्छी ग्रिप ये वाला प्रोवाइड करेगा। अगर आप एक ही शू लेना चाहते हो तो यस, दिस इज द वन फॉर यू, जो कि आपको ग्रिप में, अगर यू नो इफ ग्रिप इज द मैटर फॉर यू, अगर आप जिम विम में जा रहे हो जहां पर ऑलरेडी वो फ्लोरिंग होती है अच्छे से लगी होती है, तब आप EVA भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग EVA इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हल्का, लाइट वेट और काफी ज्यादा होता है। ये लाइट वेट है, बट एज कम्पेयर टू द एशियन एंड द पहले वाला पूमा वन, ये वाला थोड़ा सा उससे भारी हो सकता है, बट ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा ऐसे पत्थर पहन के घूम रहे हो, जो कि रेड टेप के शूज के साथ होता है यूजुअली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का मैश देखने को मिलेगा आपको। जो इसके पहले वाला पूमा था उसकी जो प्राइसिंग थी वो भी कम थी, 2799 का था MRP, बट ये थोड़ा सा महंगा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। एंड ऊपर आपको इस तरीके का यहाँ पर भी एक कम्फर्ट फोम देखने को मिलता है। इसकी अगर बात करूं अंदर सोल की, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट फोम, जो कि इनकी मेमोरी फोम है, वो नहीं देखने को मिलती, बट यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद अनदर आउटर सोल, जो आफ्टर मार्केट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे काफी अच्छी सोल, ये आपकी शॉक एब्जॉर्प्शन में जो काम आने वाली है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टंग, यहाँ पर भी पूमा की ब्रांड
ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ग्रे कलर मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये ना एक वर्सेटाइल कलर आपकी सारी जिम आउटफिट्स के साथ भी ये चल जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल लुक्स ऑफ द शू, काफी अच्छा है। पीछे पूमा के इस तरीके से ब्रांडिंग आती है। ये जो पार्ट है ना काफी सॉफ्ट है इसका, मतलब मजा आता है ऐसे टच करके इनको, आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रीमियम चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई है। एंड ओवरऑल शू की क्वालिटी की अगर बात करें, आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विद इट एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस विदाउट एनी डाउट्स। अगर आपको क्वालिटी प्लस ब्रांड प्लस एक थोड़ा मनी सेविंग चीज चाहिए, ये वाला शू आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट शू जो मेरी लिस्ट पे है, सबसे सुप्रीम ब्रांड इन सब में से जो मुझे लगता है आजकल, क्योंकि मैंने उनका एक महंगा वाला शू मंगवाया था एंड ओह माय गॉड आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विद द क्वालिटी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसकी लो वेरिएंट भी मंगवाया जाए, देखा जाए किस तरीके का। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड एसिक्स। इसको ऐसे आप कर सकते हो तो एसिक्स बन जाएगा, ऐसे कर सकते हो तो 9 बन जाएगा, 69 हो। अगर आप इसके पीछे पढ़ना चाहते हो तो आपको 3799 का प्राइसिंग देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 4000 का जूता है। और इसके जो नाम है वो है रोड जॉग। इसकी जो मतलब बॉक्स की क्वालिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसलिए भी है क्योंकि ये एक आपको सबसे पहले तो प्लेन, देखो मुझे प्लेन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, प्लेन में आपको आपको ऊपर एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ पर इसका पूरा जो नाम है वो लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात इस शू के बारे में, जो कि एसिक्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि दिस इज मेड इन उत्तराखंड, विच इज क्वाइट अमेजिंग। इंडियन मेड चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट यस, स्टैंडर्ड्स अगर एसिक्स है तो भाई अपने स्टैंडर्ड्स तो उसने मेंटेन करे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि एसिक्स है तो फिर उसने कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इंडियन क्वालिटी जैसे कि बाकी में देखने को मिल रही है वो देखने को मिलेगी। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट शू, आई हैव दिस ब्यूटी राइट हेयर, ब्लू कलर का इस तरीके से दिखने वाला रोड जॉग। इसके नीचे भी आपको इस तरीके की थोड़ी सी मिक्स टाइप की सोल देखने को मिलेगी, विच इज रबर प्लस ईवीए। इसका जो ईवीए है वो भी भाई सॉलिड, जैसे आपको पहले वाला पूमा दिखाया उस सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अपर पार्ट ऑफ द शू, ये भी काफी एक अच्छे सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। ऊपर से शू कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि बिल्कुल एक सिंपल सोबर सा एक यू नो डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। एंड साइड में से एसिक्स की ब्रांडिंग इस तरीके से, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना वो ज्यादातर एसिक्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि भाई इसमें वो बात ही इस तरीके की आ जाती है। एसिक्स एक यार काफी कंफर्ट प्लस एक काफी अच्छा ब्रांड है जो कि आपको थोड़ा महंगे शूज देता है बट एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाता। इफ यू टॉक अबाउट द सोल ऑफ दिस, इसमें भी आपको मेमोरी फोम नहीं देखने को मिलती बट जो इसकी इनर सोल है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। टॉकिंग अबाउट द पार्ट, कुशनिंग इसकी काफी ऊपर और काफी अच्छी देखने को मिलती है। आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विद इट जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स ऑफ इट। इसमें आपको 2 से 3 कलर्स और देखने को मिलेंगे, आई थिंक व्हाइट एंड ब्लैक भी इसमें अवेलेबल है, बट ब्लू मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ब्लू शू मेरे पास इतने ज्यादा नहीं है जितने मेरे पास यूजुअली ब्लैक और व्हाइट है। व्हाइट तो भाई भर गए हैं मेरे पास। एसिक्स की ब्रांडिंग ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप इसमें और भी ऊपर की रेंज में जाना चाहते हो, जितना ज्यादा वैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आप मीठा डालोगे उतना ज्यादा, जैसा कि बोलते हैं जितना ज्यादा शक्कर डालोगे उतना ज्यादा मीठा होता रहता है, वही हिसाब है इसमें भी। तो अगर आप इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए देख रहे हो, मस्त एक चीजें देख रहे हो जहां पर आप मल्टीपर्पज चीजों को यूज कर सकते हो, ये वाला शू आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये मेरा साइज है UK 10 का, विच इज अमेजिंग एंड आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ द शू। अगर आपको सीक्रेट बताऊंगा, अपनी बाइक भी ना इसी कलर में लेने की सोच रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक में नहीं थी तो मुझे दूसरा कलर लेना पड़ा। आई रियली लव इट। सो ये तो हॉल जहाँ पर मैंने आपको बताई है थोड़ी बहुत चीज़ें एंड थोड़े बहुत यू नो अल्टीमेट स्पोर्ट्स शूज़ जो कि आप बना सकते हो अपनी कलेक्शन में एंड यू कैन टोटली रॉक देम। डू सब्सक्राइब टू द चैनल लक्ष्य ठाकुर एंड जल्दी से जल्दी 1 लाख करवाओ एंड डू लाइक दिस वीडियो ताकि और लोगों तक पहुँचे एंड स्पोर्ट्स शूज़ उनके पास भी आ पाए जो वो सोचते थे कि यार बड़े महंगे आते हैं, बड़े अलग होते हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से स्पोर्ट्स शूज़ लूँ, तो ये वाली वीडियो खास करके उनके लिए। एक और शू का हॉल आने वाला है और वो बहुत अमेजिंग होगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि आपको पता चल जाए जैसे वो आता है। व्हाइट शूज के ऊपर स्पेसिफिकली मैं वो वीडियो बनाऊंगा एंड कब आएगी कैसे आएगी उसके लिए देखने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अरे ऑफ नहीं हुआ।